Hello students, welcome back to my channel Fable Flies. We will be continuing with the series of learning rules to change direct into indirect speech. So, we have covered in the last video what are the changes in the pronoun that will take place when we are converting direct speech into indirect speech. So, let's move further. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, अगर आप मेरा सेकंड वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हाईलाइट किया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक्सेप्शन कि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, तरीके से तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, उसको देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई फ्रेज है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई ईडियम है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द सन इज अ स्टार, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, देखिए ना, इसमें और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच कोई जनरल सेंटेंस होगा इन सारी चीजों को छोड़ के, तो उसमें हम कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए उसके टेंसेज में चेंजेस करेंगे कुछ स्पेसिफिक रूल्स के तहत, जिनको हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। और वहीं हमारा कुछ फाइनल वीडियो होगा जहां पे हमारे रूल्स एंड हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।